यही वो जगह है जहाँ से उस दिन जब प्राकृतिक आपदा आई थी यहीं से ये मलबा आया था। और ये देखें, ये जो जल की धारा बह रही है, ये माँ गंगा यहाँ अवतरित हैं। जटा में बहती गंगा, ये वही हमेशा यहीं से जल आता है, क्योंकि यहाँ माँ गंगा का स्वरूप है। और ये आप देखें बाबा भोलेनाथ जी का दरबार, और ये ऊपर नंदी जी महाराज जी विराजमान हैं। और ये आप देखें, ये गणपति जी महाराज जी का स्वरूप है। जहाँ ऊपर झंडा लहरा रहा है, इसके साथ वो जो प्रतिमा पशान के रूप में दिख रही है, ये नंदी जी महाराज जी विराजमान है। और ये जल की धारा जटाओं से बहती गंगा, और अभी मैं आगे जाकर आपको दिखाऊंगा इधर अर्धचंद्रमा। और ये आप जितने भी ये पर्वत श्रृंखला यहाँ पर देखेंगे, ये आपको ऐसी प्रतीत होगी जैसे मानो जली हुई है, क्योंकि बाबा जी ने जब यहाँ पर आसन रमाया था तो उसी समय एक अपनी जटा से रुद्र पैदा करा, और उस रुद्र को बोला कि यहाँ जितने भी जीव जंतु पशु पक्षी हैं सबको जलाकर भस्म कर दें। तो ये इसीलिए यहाँ ये पर्वत श्रृंखला इस प्रकार से है। और ये बाबा जी का पवित्र और पावन दरबार, तो दुमेल से बाबा अमरनाथ बर्फानी जी की पावन यात्रा का सफर यहीं अब दर्शनों के बाद समाप्त होगा। तो आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त, धन्यवाद जिन्होंने दास के साथ आज शिव पार्वती सेवा दल पेज से जुड़कर दुमेल से बाबा अमरनाथ बर्फानी के दरबार तक पावन और पवित्र यात्रा करी। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा अमरनाथ बर्फानी जी आप सभी को दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की दे। जय हो मेरे बाबा, आपकी सदा ही जय हो। बम बम भोले।